अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिज़ाइनर वर्ल्ड ऑफ़ फ़ैशन एंड क्राफ्ट। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में आपको मैं लाचा बनाना बता रही हूँ या घाघरा बनाना बता रही हूँ। इसके लिए आपको 2 मीटर्स ऑफ फैब्रिक चाहिए। ये मैं 8 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैं 2 मीटर्स ऑफ फैब्रिक ले रही हूँ और उसको इक्वल हाफ्स में मैंने फ़ोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद आपको एक एंड पे जो फोल्ड है वहाँ पे आपको पकड़ कर इस तरह से ट्रायंगुलर फोल्ड बनानी है। ये दूसरा फोल्ड बन गया है हमारा ट्रायंगुलर फोल्ड में। पहला हमने इक्वल हाफ्स में फोल्ड किया था और दूसरा हम ट्रायंगुलर फोल्ड कर रहे हैं इस तरह से। फोल्ड करने के बाद आप क्लॉथ को अच्छे से टैप कर लें ताकि कोई भी बीच में फोल्ड ना रहे। इसके बाद हम वेस्ट मेज़रमेंट है जो भी है उसको 4 इंचेस ऐड करेंगे। अभी मेरा जो वेस्ट मेज़रमेंट है रिक्वायर्ड 26 इंच का है, उसको मैं 4 इंच जोड़ रही हूँ। 4 इंच जोड़ने के बाद वो 30 इंचेस का 30 इंच का होगा और 30 इंच को मैं डिवाइडेड बाय 4 कर रही हूँ। जो भी आपका मेज़रमेंट है उसको 4 इंच जोड़िए और जो भी मेज़रमेंट आएगा उस पर आप 4 डिवाइडेड बाय 4 कीजिए। डिवाइड 4 हिस्सों में उसको डिवाइड कीजिए तो यहाँ 7.5 बन रहा है। 30 डिवाइडेड बाय 4 7.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ इस तरह से। आपको क्रॉस जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आपको मेज़रमेंट लेनी है और क्रॉस लाइन मारनी है और उसके बाद आपको टेप को वेस्ट मेज़रमेंट के पास इस तरह से रख कर मेज़र करनी है लेंथ। आपका जो भी रिक्वायर्ड लेंथ है उसको मार्क करना है। यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड लेंथ है 26 का, तो हम 26 इंच के पास मार्क करेंगे। 26 इंच पे मार्क कीजिएगा। उसके बाद आपको इसी तरह से आपका जो भी मेज़रमेंट जहाँ पे आपने मार्क किया था वेस्ट मेज़रमेंट का, उस लाइन के ऊपर आपको टेप के 1 एंड को रख कर दूसरा एंड आपको मूव करना होगा सर्कुलर वे में और वहाँ से आपको मार्क करनी होगी 26 इंच पूरे घाघरे में। पूरे जो क्लॉथ है, जो लेंथ है कपड़े का, वहाँ पे आपको इस तरह से आपको टेप को हटाते हुए या रूलर हो तो रूलर को हटाते हुए आपको मार्क करनी है 26 इंच पे, या फिर आपका जो भी लेंथ है उस पे आपको मार्क करना है। मैंने इसके ऊपर टॉप जो होता है उसके लिए मैं पेपलम टॉप बॉक्स प्लीट्स के साथ बनाया है मैंने। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मेरे जो भी वीडियोस हैं उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आपको जो डॉट्स बनाए हैं उसको जोड़ लेने हैं इस तरह से। जोड़ लीजिएगा, ये आपका सर्कल बन हाफ सर्कल बन जाएगा इस तरह से। जोड़ लेने के बाद आप फिर एक बार रीचेक कर लीजिए कि आपने सही मार्क किया है या नहीं। रीचेक करना ज़रूरी है, जो भी आपने मार्किंग की है उस पर आप रीचेक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको सही जो लेंथ है या फिर कोई भी कटिंग हो आपको सही मिले। तो आप फिर से एक बार रीचेक कीजिए और फिर मार्क कीजिएगा। इसके बाद आप कटिंग कीजिए। कटिंग करने से पहले आपको कपड़े को अच्छे से टैप करके कोई भी फोल्ड ना हो इस तरह से आपको टैप करना है कपड़े के ऊपर। पहले जो भी आप कटिंग करो पहले आपको इस तरह से कपड़े को साफ़ कर लेना है और उसके बाद आप कटिंग कीजिएगा।
यहाँ पे मैं वेस्ट मेजरमेंट के पास जिस तरह से मैंने मार्क किया है उसी तरह से मैं काट रही हूँ। अभी क्वार्टर इंच छोड़कर नीचे घेर में आप कटिंग कीजिएगा, जो लेंथ है आपकी घाघरे की वहाँ पे। ये हमारी लाइनिंग बन चुकी है। अभी हम मेन फैब्रिक लेंगे, जो लाचे का जो मेन फैब्रिक है वो फुल वर्क का है, तो हम उसको भी इसी तरह से जो जिस तरह से हमने लाइनिंग को फोल्ड किया है उसी तरह से फोल्ड करेंगे। इक्वल हाफ में फोल्ड किया था मैंने, उसके बाद फिर एक ट्रायंगलर फोल्ड किया है। ये जो फैब्रिक है ये फुल वर्क का फैब्रिक है, इसमें 3 टू 2 इंचेस का प्लेन फैब्रिक आया है, तो उसको मैंने बाहर की तरफ फोल्ड किया है ताकि मैं कटिंग में उसे निकाल पाऊँ, ताकि लाचे में कहीं पे भी आपको प्लेन फैब्रिक ना आए, इसलिए हमने इस तरह से फोल्ड करना है। उसको बाहर की तरफ फोल्ड कीजिए और जो आपने लाइनिंग काटी है उसको उसके ऊपर ओवरलैप कीजिए फोल्डिंग के ऊपर, और अच्छे से फोल्ड करने के बाद उसको काटिए। अब इस तरह का फैब्रिक अगर लेंगे तो मार्किंग करके काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए आपको लाइनिंग को पहले काटना होगा। लाइनिंग को काटने के बाद उसको आपका जो मेन फैब्रिक है उस पर अच्छे से फोल्ड कीजिए और उस पर इस तरह से ट्रेस करके काटिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कटिंग में। अच्छे से फोल्ड कीजिएगा और फिर इसको ट्रेस कीजिए और काट लीजिएगा। जो एक्स्ट्रा हमने प्लेन नेट जो छोड़ा था उसे भी आपको काट के निकाल देना है, मतलब सेपरेट करना है, लाचे में ना रहे ये, इसलिए हमें इस तरह से काट कर सेपरेट करना है। तो अभी आपको पूरा फुल वर्क का फैब्रिक मिल चुका है लहंगे के लिए। उसके बाद हमें वेस्ट मेजरमेंट वेस्ट बेल्ट बनानी है। वेस्ट बेल्ट के लिए मैं प्लेन नेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, और प्लेन नेट और प्लेन फैब्रिक जो लाइनिंग है वो, तो इसके लिए मैं लेंथ ले रही हूँ वेस्ट बेल्ट का 35 इंचेस का वेस्ट बेल्ट होगा हमारा। इसको हम एक साइड से फोल्ड करके सिलेंगे और एक साइड में ये 3 इंच का विड्थ है, 3 इंच का विड्थ और 35 इंचेस का लेंथ है। इसको एक तरफ से हम फोल्ड करके सिलेंगे और एक तरफ से लाइनिंग का छोड़ देंगे। फिर ये है आपका लहंगा जो लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच किया है मैंने, और उसके बाद दोनों साइड में फोल्ड करके सिल दिया है 4-5 इंच तक हम लंबाई तक हम उसको फोल्ड करके सिल दिए हैं। और इसके बाद आपको वेस्ट बेल्ट में इस तरह से आपको अटैच करना है। एक तरफ मैंने फोल्ड करके सिला है और जिस तरफ हमने लाइनिंग अटैच की है वहाँ पे आपको इस तरह से स्टिच लगानी है, और स्टिच लगाने के बाद आपको वेस्ट बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको और एक स्टिच मारनी है ताकि ये लूप बन जाए इलास्टिक या फिर डोरी पास करने के लिए। उसके बाद मैंने साइड में स्टिच लगाई है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अलग अलग मैंने जोड़ा है। उसके बाद नीचे में भी मैंने हेम लाइन की है, मतलब फोल्ड करके सिला है नीचे में घेर में। इस तरह से आपका लाचा या घाघरा बन जाएगा। मेरे चैनल अगर आपको पसंद है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ।